स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स और ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर जब भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्हें उसके बेसिक्स नहीं पता होते हैं और कुछ आसान सी ट्रिक होती है जिसके बारे में वो नहीं जानते और हमेशा उन्हें केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। तो इस वीडियो में मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए केमिस्ट्री को बहुत आसानी से आप समझ सके। उसके लिए कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कंपाउंड्स का नाम लिखना या उनकी रिएक्शन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो दो चीजों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, जैसे FeS लिखा हुआ है और FeSO4। तो इसमें से फेरस कौन सा है और फेरिक कौन सा है? तो इस कंफ्यूजन के कारण हमेशा गलत फॉर्मूला लिख देते हैं और हमेशा गलत ही उनका रिजल्ट हो जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम कोई कंपाउंड लिखते हैं तो उसमें होता है एक रेडिकल पाए जाते हैं। रेडिकल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल एंड निगेटिव रेडिकल। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl है, तो NaCl जो है, इस NaCl में सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जो क्लोरीन है, क्लोराइड, यहाँ पर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी हमको पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, ये जो रेडिकल्स हैं, इनके नाम लिखना है, तो कुछ सिंपल से ट्रिक है, उसको फॉलो करना है और आप आसानी से इनके नाम बहुत ईजिली लिख पाएंगे। तो जब भी हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जो भी पॉजिटिव रेडिकल है, फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि निगेटिव रेडिकल में अगर आपके पास कोई मेटल है, मतलब सोडियम है या मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, कोई भी मेटल अगर है और उसका नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पर उसके नाम के आगे आप करेंगे नो चेंज। मतलब जो मेटल्स होती हैं उनके नाम कभी भी चेंज नहीं किए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो मेटल होते हैं उनके नाम हमेशा एज इट इज होते हैं, मेटल के नाम चेंज नहीं किए जाते हैं। और अगर कोई नॉन मेटल है या आयोनिक कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जुड़ा हुआ है NH4+, H+, तो इस टाइप के अगर नॉन मेटलिक कंपाउंड्स जुड़े होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि इन कंपाउंड्स के नाम के एंड में आप लगाएंगे हमेशा EM वर्ड का यूज आप करेंगे, EM, जैसे अमोनियम। तो अगर आपको NH4+ का नाम लिखना है तो आप इसके नाम के एंड में EM लगाएंगे, अमोनियम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर निगेटिव आयन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है निगेटिव आयन्स के नाम को लिखने में। निगेटिव आयन्स के नाम दो टाइप से हम लिख सकते हैं। इसकी पहली ट्रिक है कि अगर कोई निगेटिव आयन सिंगल रेडिकल है, अगर कोई सिंगल रेडिकल है तो उस सिंगल रेडिकल के नाम के एंड में आप एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड होता है आइड वर्ड को हम लगा देते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लोरीन है तो इसका जब आप रेडिकल बनाएंगे तो Cl- इसको आप लिखोगे क्लोराइड। अगर सल्फर निगेटिव है, -2 चार्ज होता है इस पे, तो हम इसको लिखेंगे सल्फाइड। इसके नाम के एड में IDE सल्फाइड हम लगा देंगे। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इस तरीके से अगर कोई सिंगल रेडिकल होता है तो उसके नाम के एंड में हम हमेशा लगाते हैं IDE, IDE वर्ड यूज किया जाता है, जिससे हम आसानी से आप पहचान सकते हैं कि अगर सल्फर अकेला है, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था FeS और FeSO4, तो जो सिंगल है उसका नाम होगा सल्फाइड, तो ये बन जाएगा फेरस सल्फाइड। अब क्या हो जब कोई रेडिकल, निगेटिव रेडिकल मोर देन वन हो, मतलब एक से ज्यादा रेडिकल अगर हो, तो अब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? इस नाम को लिखने के लिए हमारी सेकेंड ट्रिक है कि अगर मोर देन वन रेडिकल है, मोर देन वन रेडिकल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल SO4-2, CO3-2 या NO3-, ये मोर देन वन जब कंपाउंड हमारे पास होते हैं तो इनके नाम के एंड में हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं और वो होता है ATE। ये हमको यहाँ पर सफिक्स ऐड कर देना होता है, सफिक्स हम ऐड करते हैं जो कि होता है ATE, एट वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं
तो भी एक लगाया जा सकता है। जैसे अब इसका नाम हो जाएगा सल्फेट, हम नाम लिखेंगे पूरे कम जो रेडिकल है उसका नाम होगा सल्फेट। इसी तरीके से CO3-2 का नाम होगा कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। और ये जो हमने लिखा है इसका नाम होगा नाइट्रेट। तो इस तरीके से एक कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं। अब इस वीडियो के आखिर में आप कुछ कंपाउंड के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जैसे CuSO4 का नाम हम क्या लिखेंगे, FeCl3 का नाम क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन दो कंपाउंड्स का नाम आप कैसे लिखोगे। तो ये तो हुई कंपाउंड्स के नाम लिखने की बात। अब यहाँ पर केमिस्ट्री है तो कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही, तो कुछ एक्सेप्शन में कंपाउंड आता है जब हम NaOH बनाते। इस कंपाउंड में जो OH है वो मोर देन वन है, जो भी हमने ट्रिक बताई कि मोर देन वन में हमें ATE लगानी है, तो OH हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। अब है तो ये मोर देन वन, पर हम इसके नाम में लगाते हैं आइड, जो कि हम सिंगल रेडिकल के लिए यूज करते हैं। तो अब सिंगल रेडिकल के लिए यूज करने के लिए जो हम ले रहे हैं उसको हम इस मोर देन वन में क्यों यूज करें, तो मोर देन वन में इसको इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, और इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का नाम हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम सेपरेटली लिखा जा रहा है, इसीलिए ये कंसीडर किया जाता है सिंगल रेडिकल्स के अंदर। तो यहाँ पर इसके नाम में हम मोर देन वन होने के बाद भी IDE लगाते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है और ये एक ट्रिक है। अब ये तो हुआ निगेटिव रेडिकल्स के लिए। कभी कभी कुछ मेटल्स में उनके नाम अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे कि FeCl3 और FeCl2। यहाँ पर सेम मेटल है, सेम पॉजिटिव रेडिकल है और सेम निगेटिव रेडिकल है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, दोनों में वन निगेटिव रेडिकल है इसका मतलब हम उसका नाम क्लोराइड ही लिखेंगे, लेकिन क्लोराइड ही लिखेंगे पर यहाँ पर जो आयरन है उस आयरन का नाम चेंज होता है। जब आयरन FeCl3 के साथ जुड़ा होता है तो इसका नाम हो जाता है फेरिक क्लोराइड, और जब आयरन के साथ जुड़ा होता है तब इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड। तो जो आयरन सेम मेटल है लेकिन यहां पर उसके नाम अलग अलग लिखा जा रहा है, तो इस अलग अलग नाम लिखे जाने की एक ट्रिक है या एक रीजन है। जब भी किसी भी पॉजिटिव रेडिकल में जिसकी वैलेंसी मोर होगी, मोर वैलेंसी, अगर किसी मेटल की वैलेंसी ज्यादा हो तो उसके नाम के एंड में हम लगा देते हैं IC, एक हम ऐड कर देते हैं, और अगर किसी की वैलेंसी कम होती है तो उसके नाम के एंड में OUS लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फेरिक बन जाएगा और एक फेरस। इसी तरीके से Fe2Cl2, HG2Cl2, HGCl2। अब ये दो कंपाउंड के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके नाम में क्या चेंज होगा, किसकी वैलेंसी ज्यादा है और किसकी वैलेंसी कम है। तो ये हुआ रेडिकल, रेडिकल्स के बारे में हमने सीखा। इसके बाद बेसिक्स में हम आगे पढ़ेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना रिएक्शन। तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है। एक केमिकल रिएक्शन सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी केमिकल चेंज को पता करने का, कि कोई केमिकल चेंज किस तरीके से हो रहा है उसको आसानी से जानने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब इसमें दो चीजें होती है, सबसे पहले होता है रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करता है तो उसको हम एक साइड लिख देते हैं, इसके बीच में हम लगाते हैं एक एरो और फिर हम लिखते हैं उसका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। रिएक्टेंट्स में उनकी फिजिकल स्टेट को ध्यान रखा जाता है। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट चेंज है, फॉर एग्जांपल हम वाटर को लिखना चाह रहे हैं H2O और ये वाटर लिक्विड है हमारे पास,
क्योंकि वाटर तीनों फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या सॉलिड हो सकता है. तो अगर लिक्विड है तो हम इसके साथ में ब्रैकेट में लगा देते हैं L, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को. अगर वाटर ही हमारे पास H2O आइस है, इट मीन्स ये कैसा है, सॉलिड है, तो हम इसके साथ लगा देते हैं S. और अगर H2O है वेपर, मतलब किस स्टेज में हुआ ये, गैसियस स्टेज में, या वेपर भी हम लिख सकते हैं. तो इस तरीके से किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को बताने के लिए इन सिंबल्स का यूज किया जाता है. इसके अलावा कोई अगर जैसे CO2 है, कोई गैस स्केप आउट हो रही है, किसी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है, तो उसके लिए उसके साइड में एक एरो अपर साइड जाता हुआ बना दिया जाता है कि ऊपर की तरफ ये गैस बाहर निकल रही है. कोई अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, PPT अगर बन रहा है, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर हमारे पास जैसे CaOH होल्ड वाइज ये हमारा बना है और इसमें कोई प्रेसिपिटेट बना है, तो उसके लिए इस एरो को उल्टा कर दिया जाता है. मतलब कि जो भी प्रेसिपिटेट या जो भी कंपाउंड बना हुआ है उस लिक्विड के अंदर बना है. किसी रिएक्शन में अगर हीट का आपको साइन लगाना है कि कोई रिएक्शन में आप हीट कर रहे हो, तो उसके लिए डेल यूज किया जाता है. इस तरीके से डेल वर्ड को हम यूज कर देते हैं. और ऐसी चीजें जिनकी प्रेजेंस में होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन हमने पढ़ी थी पहले वीडियोस में कि एसीटोन की प्रेजेंस में अगर हो रही है या किसी दूसरी चीज की प्रेजेंस में हो रही है, तो जब भी हम प्रेजेंस लिखते हैं तो उस प्रेजेंस को एरो के ऊपर लिखा जाता है. कोई भी रिएक्टेंट हम लिखेंगे, फिर उसकी प्रेजेंस, और फिर बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट. तो ये एक सिंपल तरीका है रिएक्शन को लिखने का. अब इसके बाद रिएक्शन हमने लिख ली, एक सिंपल रिएक्शन है हमारे पास, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3. ये एक सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास. अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 हो गया और हाइड्रोजन 3 हो गए. तो इसका सीधा सा मतलब है हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी होती है, और वो ट्रिक होती है कि जैसे अगर हम लिख रहे हैं किसी भी कंपाउंड को, आप लिख रहे हो TriSO2, इस तरीके से लिख रहे हो अगर किसी कंपाउंड में या किसी रिएक्शन में आप लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आगे लिखा हुआ आपका नंबर है, ये बताता है मॉलिक्यूल्स को कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने हैं. और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो बताता है नंबर ऑफ एटम्स, वो बताएगा आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन है उसके 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और साथ में जो एटम्स है, अब एटम्स कितने होंगे, तो एटम्स को पता करने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6. तो ये जो 6 है, यहाँ पे 6 एटम्स आपके पास टोटल हो गए ऑक्सीजन के. तो इस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल का नंबर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूल और एटम को कैसे देखेंगे और कैसे उसको काउंट करेंगे, उसी के बाद हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. पहली चीज अब आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको लिखे हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूले में फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स को हम चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो बना हुआ उसका फॉर्मेशन फॉर्मूला उसको आपको चेंज नहीं करना है. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे H2 लिखा है और यहाँ 3 है तो आप इसको 3 बना दो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो. उसको आपको चेंज नहीं करना है. तो हमें करना क्या है इसको चेंज करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, हम क्या करेंगे कि जो आगे लिखे हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम हमेशा चेंज करते हैं. इसके लिए हम इस रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं. ये हमारा स्क्लेटन रिएक्शन है, इसको हम फिर से लिख लेंगे. और लिखने के बाद अब हम बहुत सारे तरीके होते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने का. तो एक तरीका हम आज देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है, आप सबसे पहले लिख लो उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. 2 है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जितने हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स आप लिख लो. फिर इसके बाद हम यहाँ पे नाइट्रोजन जितना है वो लिख लेंगे, हाइड्रोजन जितना है वो लिख लिया हमने. इस तरीके से रिएक्शन में जितने भी एटम्स थे उनको सबको लिख लिया. लिख लेने के बाद अब हमको देखना है कि इस रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है
और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे नाइट्रोजन 1 है. तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों का नंबर इक्वल हो जाए? तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में करते हो तो आपको हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो अब करने के बाद नाइट्रोजन तो हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन आपके पास हो गए 6. अब आपने जो ये मल्टीप्लाई किया है, इस मल्टीप्लाई को आपको रिएक्शन में लिखना जरूरी है. रिएक्शन में नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी ही नहीं. तो हमने यहाँ पर ये 2 को आगे लिख दिया. अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं रहा. पहले तो 2 थे, अब ये प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन 6 हो गए हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, 6 हो जाए. तो हम इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 का मल्टीप्लाई हमने किया तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा. और यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इस रिएक्शन में हम लगाएंगे 3 और इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. तो हमारी जो बनी हुई बैलेंस्ड रिएक्शन होगी वो होगी N2 + 3H2 gives out 2NH3. इस तरीके से हमने रिएक्शन को बैलेंस किया. एक सिंपल सी रिएक्शन और ले लेते हैं. उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन हम लेते हैं, एक रिएक्शन है हमारे पास फॉस्फोरस P+O2 गिव्स आउट P2O5. अब यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस एक ही है जो कि 2 हो गए हैं रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 2. ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 5 हो गए. तो अब वही हमारा तरीका. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है. तो फॉस्फोरस हमारे पास 1 है, हम 1 लिख लेंगे. इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, हम 2 लिख लेंगे. और रिएक्टेंट साइड में तो हमने लिख लिया. प्रोडक्ट साइड में फॉस्फोरस हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 5 है. अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इक्वल हो जाए. तो यहाँ आप एक मैथ्स का सिंपल से लॉजिक यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर ऑक्सीजन का नंबर चेंज दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन का 5 है उसमें यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दे और जो 2 है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दे. तो ऑक्सीजन सिंपली हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे, 5 × 2 = 10. ये फॉस्फोरस हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 10. तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए. आप एक तरीका भी कर सकते हो, जिस चीज को आपने बैलेंस कर लिया है उसको आप क्रॉस कर दे कि आपने बैलेंस कर चुके हैं. और अब बचता है हमारा फॉस्फोरस जो कि 4 हो गया और यहाँ पर 1 ही है ना. तो अब हम क्या करेंगे कि जो 4 साइड का फॉस्फोरस है उस फॉस्फोरस को अगर इसके इक्वल करना है तो अब हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते. हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 4 होगा वो फॉस्फोरस के आगे लिखा जाएगा. तो अब हमारी कंप्लीट जो बैलेंस रिएक्शन होगी वो बनेगी 4P+5O2 gives out P2O5. मतलब हमको प्रोडक्ट में कोई चेंज करना है, 2 लगा देंगे और इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. तो ये एक ट्रिक है. और स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगे, और आपको जो भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.